त्रयम् अनेकम्, ये अनेक रूप वाली है व्यक्त प्रकृति। कौन कौन से अनेक रूप है इसके? महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत, तो अनेक रूप वाली होगी ना। सक्रियम क्रिया वाली है, अनेकम अनेक रूपों वाली है, और वो कैसी है? एक रूप वाली ही है। निष्क्रिय है, एक रूप वाली ही है। और आश्रितम, जो व्यक्त है वो आश्रित है, किसके आश्रित है? अपने अपने कारणों के आश्रित है। पंच महाभूत किसके आश्रित हैं? पंच तन्मात्राओं के। तन्मात्राएं किसके आश्रित हैं? अहंकार के। अहंकार किसके आश्रित है? महत के। महत मूल प्रकृति के। मूल प्रकृति किसके आश्रित है? वो स्वयंभू है, वो किसी के आश्रित नहीं है। तो ये अंतर हो गया। लिंगम, लिंगम मतलब लय युक्त है ये। जो व्यक्त प्रकृति है वो लय होने के स्वभाव वाली है। पंच महाभूत सूक्ष्म मात्राओं में लय हो जाते हैं। सूक्ष्म तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार मेहदादि, मेहदादि मूल प्रकृति में। मूल प्रकृति किस में लय होती है? किसी में नहीं होती। तो ये लय के स्वभाव वाली है, वो लय के स्वभाव वाली नहीं है। सा अवयवम, व्यक्त प्रकृति अवयव वाली है, अवयवों से बनी है वो। और मूल प्रकृति कैसी है? वो निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है। परतंत्रम, ये परतंत्र है, किसी और के लिए होती है। जब जब भी ये व्यक्त प्रकृति के जो महद आदि जो कार्य हैं, ये किसी अन्य के लिए होते हैं। किसी अन्य के लिए किसके होते हैं? पुरुष के लिए होते हैं। लेकिन जो मूल प्रकृति है वो अपने अस्तित्व से है, वो स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है। व्यक्तम, व्यक्त है वो अव्यक्त है। तो ये तो सारे किसके विशेषताएं बताई? व्यक्त, व्यक्त प्रकृति की। विपरीतम अव्यक्तम, और इससे जो विपरीत है वो अव्यक्त है। जैसे ये हेतुमत है तो वो बिना हेतु वाली है, ये अनित्य है तो वो नित्य है। तो यहाँ जितने भी विशेषण बताए हैं उससे विपरीत स्वभाव वाली अव्यक्त प्रकृति है, तो उसी को अब भाष्य में बता रहे हैं। व्यक्तम, हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, सा अवयवम, परतंत्रम, अस्ति, ये व्यक्तम और अव्यक्तम विपरीतम, इससे विपरीत अव्यक्त है। प्रकृति विरूपम स्वरूपम च इति यदुक्तम तत्कथम इति उच्यते। तो पहले जो पहली कारिका में कहा था ना कि ये जो कार्य रूप प्रकृति है ये अपने मूल प्रकृति के विरूप भी है और स्वरूप भी है, समान रूप वाली भी है, अलग रूप वाली भी है, तो वो कैसे? तो उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। कह रहे हैं व्यक्तम महदादि कार्यम, जो व्यक्त है, जो महदादि कार्य वाली जो प्रकृति है वो कैसी है? हेतुमत इति, हेतु अस्या अस्ति इति हेतुमत, अर्थात उपादानम। हेतु मतलब कारण, उपादान हेतु, तो ये सब, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। उपादानम हेतु कारणम निमित्तम इति पर्यायः, तो जिसका कोई हेतु है, जिसका कोई उपादान है, जिसका कोई कारण है, जिसका कोई निमित्त है, ऐसी है ये व्यक्त प्रकृति, उसको कहा हेतुमत, हेतु वाली। व्यक्तस्य प्रधानम हेतु अस्ति, ये जो व्यक्त प्रकृति है इसका प्रधान प्रकृति हेतु है, मूल प्रकृति इसका हेतु है, कारण है। अत हेतुमत व्यक्तम भूत पर्यंतम, तो ये व्यक्त प्रकृति है वो भूत पर्यंत, पंचभूत पर्यंत कैसी है? हेतुमत, हेतु वाली है। कोई ना कोई हेतु है ना, महद आदि का, महद का हेतु मूल प्रकृति, फिर महद ये अहंकार का हेतु महद, ऐसी तो भूत पर्यंत ये सारी प्रकृति हेतुमत है। हेतुमत बुद्धि तत्वम प्रधानेन, जैसे बुद्धि तत्व जो है वो प्रधान की दृष्टि से
हेतु वाला है, क्योंकि प्रधान ही उसका हेतु है। और हेतुमान अहंकारो बुद्ध्या, जो अहंकार है वो बुद्धि की दृष्टि से हेतुमान है, बुद्धि उसका हेतु है। पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि हेतुमंत अहंकारेण, ये पांच तन्मात्राएं और ग्यारह इंद्रियां, इनका हेतु कौन है? अहंकार। तो वो अहंकार के द्वारा हेतुमान है। आकाशम शब्द तन्मात्रेण हेतुमत, कह रहे हैं जो आकाश पंच भूतों में से जो एक भूत है आकाश, उसका हेतु कौन है? शब्द तन्मात्र। तो वो शब्द तन्मात्र के साथ हेतु वाला है, या शब्द तन्मात्र के द्वारा हेतु वाला है। वायु स्पर्श तन्मात्रेण हेतुमान, वायु स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा हेतु वाला है, क्योंकि स्पर्श तन्मात्र से ही वायु भूत की उत्पत्ति होती है। तेजो रूप तन्मात्रेण हेतुमत, जो तेज है तेज रूपी भूत, वो रूप तन्मात्र के कारण हेतु वाला है, रूप तन्मात्र से तेज की उत्पत्ति होती है। आपो रस तन्मात्रेण हेतुमत्यः, तो आप शब्द ना नित्य ही बहुवचनांत होता है, इसलिए यहाँ हेतुमत्यः कहा। तो कह रहे हैं कि जो जल भूत है पंचभूतों में, वो रस तन्मात्र के कारण हेतु वाला है, अर्थात रस तन्मात्र से जल भूत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी गंध तन्मात्रेण हेतुमती, और जो पृथ्वी है वो गंध तन्मात्र के कारण हेतुमती है। तो ये सारे क्या है? हेतुमान। एवं भूत पर्यंतम व्यक्तम हेतुमत, इसलिए पंच भूतों तक ये प्रकृति क्या है? हेतु वाली। किंच अन्यत, और दूसरा कारण क्या है कि प्रधान का अपना, अव्यक्त का अपना अस्तित्व है और इन दोनों में भिन्नता है, तो कहा अनित्यम। व्यक्त प्रकृति कैसी है? अनित्य है। यस्माद् अन्यस्मात् उत्पद्यते, यथा मृत पिंडात उत्पद्यते घट, जो किसी दूसरे से उत्पन्न होता है ना, वो अनित्य होता है। जैसे कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, तो मिट्टी तो नित्य है और घड़ा अनित्य है। तो ये महद आदि मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो किसी से जो उत्पन्न होता है वो हमेशा क्या होता है? अनित्य। यस्माद् अन्यस्मात् उत्पद्यते, यथा मृत पिंडात उत्पद्यते घट सच अनित्य, वो अनित्य है। तीसरा, किंच अव्यापी, जो व्यक्त प्रकृति है वो अव्यापी है। अव्यापी माने असर्वगतम गम इति अर्थ, सब जगह जो प्राप्त नहीं है। सर्वगम सब जगह प्राप्त होने वाला, असर्वगम सब जगह प्राप्त नहीं होने वाला। यथा प्रधान पुरुषौ सर्वगतौ, जैसे प्रधान और पुरुष ये सर्वगत हैं, न एवं व्यक्तम, ऐसे व्यक्त नहीं है, व्यक्त प्रकृति सर्वगत नहीं है। किंच अन्यत, और एक हेतु दे रहे हैं। सक्रियम, ये आश्रितम की जगह काट के ना सक्रियम कर लो, चौथा हेतु क्या था? सक्रियम। संसार काले संसरती, ये सक्रिय क्यों है? जब तक ये संसार रहेगा, अर्थात जब तक ये प्रलय को प्राप्त नहीं होगा संसार, तब तक ये कैसा रहता है? चलायमान, संसरण करता है आगे आगे, सक्रियम बढ़ता रहता है, सब चीजें उनमें नित्य परिवर्तन हो रहा है। आप फूल को, पत्ती को, जड़ को, किसी को भी देखेंगे ना, वृक्ष को, मनुष्य को, तो सब जगह क्या हो रहा है प्रकृति में? परिवर्तन। छोटा बच्चा है तो बड़ा हो रहा है, बड़ा है तो उससे बड़ा हो रहा है, और बड़ा है तो उससे बड़ा हो रहा है, उससे भी बड़ा है तो बुजुर्ग हो रहा है, बुजुर्ग है तो मृत्यु की तरफ जा रहा है, सब जगह परिवर्तन दिखाई देगा आपको। संसार काले संसरती तस्मात् सक्रियम, संसार काल में ये संसरण करती है, आगे सरकती रहती है, माने गतिमान रहती है, इसलिए उसको कहा सक्रियम। किंच अन्यत, और भी अनेकम, ये जो व्यक्त प्रकृति है ये अनेक रूपों वाली है। बुद्धि अहंकार तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि पंच महाभूतानि च इति, तो ये सारे इसके अनेक रूप हैं।
बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं एकादश इंद्रियां और पांच महाभूत किंच अन्यत और एक हेतु दे रहे हैं आश्रितम। जो व्यक्त प्रकृति है वो कैसी है? आश्रित है। स्वकारणम आश्रयते, अपने कारण का आश्रय लेने वाली है ये। प्रधान आश्रिता बुद्धि ही, जैसे बुद्धि तत्व किसके आश्रित है? प्रधान प्रकृति के। बुद्धिम आश्रितो अहंकार है, और फिर इस बुद्धि के भी आश्रित कौन है? अहंकार। अहंकार आश्रित एकादश इंद्रियाणी और पंच तन्मात्राणी च, 11 इंद्रियां और पांच तन्मात्राएं ये अहंकार के आश्रित हैं। पंच तन्मात्रा आश्रितानि ही पंच महाभूतानि, और जो पांच महाभूत हैं वो किसके आश्रित हैं? पांच तन्मात्राओं के। तो ये आश्रय वाली है ये आश्रितम। और एक हेतु दे रहे हैं किंच लिंगम, लिंगम माने लय युक्तम, ये लीन वाली है, लय होने के स्वभाव वाली है। लय काले पंच महाभूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते। लय काले माने प्रलय काले, जब प्रलय होता है तो उस समय ये पांच भूत तन्मात्राओं में लीन हो जाते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है ना तो उसको अग्नि में जला देते हैं, तो ये शरीर तो पांच भूतों से बना हुआ था ना, तो वो अपने अपने कारण में चले जाते हैं। पृथ्वी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला जल में, अग्नि वाला अग्नि में, वायु वाला वायु में, तो बिखर जाता है पूरा। तो लय काले पंच महाभूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते, तानि एकादश इंद्रियै सह अहंकारे। और कह रहे हैं कि वो जो तन्मात्राएं हैं वो और 10 इंद्रियां, तो यहाँ सांख्य में इंद्रियां कैसी हैं? सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल वाली तो पंचभूत में ही आ गई। तो पंचभूत माने ये जो गोलक थे ये तो तन्मात्राओं में लीन हो गई, लेकिन जो तन्मात्राएं हैं और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो किस में लीन हो जाती हैं? वो अहंकार में लीन हो जाती हैं। तो तानि एकादश इंद्रियै सह अहंकारे, वो सारी साथ होकर के अहंकार में लीन हो जाती हैं। सच बुद्धौ, और वो अहंकार उन इंद्रियों और तन्मात्राओं सहित बुद्धि में लय हो जाता है। सच प्रधाने लयम याति इति, और वो जो बुद्धि तत्व है वो पीछे वाले सब को लेकर के मूल प्रकृति में लय हो जाता है, प्रधान में लय हो जाता है। तो ये लय के स्वभाव वाली है व्यक्त प्रकृति। सावयवम, और कैसी है व्यक्त? अवयव वाली, सावयव। अवयवाः, इसके अवयव क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, ये इसके अवयव हैं। तैसह, तो उनके साथ रहने वाली है, ये पांचों विषयों के साथ रहने वाली है। किंच और परतंत्रम, व्यक्त प्रकृति कैसी है? परतंत्र है। न आत्मनः प्रभवति, ये अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती है, किसी दूसरे से ही ये उत्पन्न हो सकती है। जैसे मूल प्रकृति स्वयं भू है, ऐसे ये व्यक्त प्रकृति अपने आप नहीं हो सकती है। न आत्मन प्रभवति, ये स्वयं उत्पन्न नहीं होती है। यथा प्रधान तंत्रा बुद्धि ही, जैसे कि प्रधान के अधीन कौन है? बुद्धि ही। तंत्र मतलब अधीन, आश्रित। प्रधान तंत्रा बुद्धि ही, बुद्धि तंत्रो अहंकार, बुद्धि के अधीन कौन है? अहंकार। अहंकार तंत्राणी तन्मात्राणी इंद्रियाणी च, अहंकार के अधीन कौन है? तन्मात्राएं और इंद्रियां, एकादश इंद्रियां। तन्मात्राणी पंच महाभूतानी च, और जो पांच तन्मात्राएं हैं उनके अधीन कौन है? पंच महाभूत। तो एवं परतंत्रम, तो इस प्रकार से ये व्यक्त प्रकृति कैसी है? परतंत्र, दूसरे के अधीन। परायत्तम, वही पराधीन है ये। व्याख्यातम व्यक्तम, तो इस प्रकार से ये 9 हेतु देकर के हमने व्यक्त प्रकृति की व्याख्या कर दी है, वो कैसी कैसी है। अथ अव्यक्तम व्याख्यास्याम, अब अव्यक्त के बारे में बता रहे हैं। अव्यक्त कैसी है? विपरीतम अव्यक्तम, इससे जो विपरीत है,
वो अव्यक्त है। एतई एव गुणै ही यथोक्तई ही विपरीतम अव्यक्तम। ये जो गुण बताए हैं नौ गुण, इनसे जो विपरीत है वो अव्यक्त है। हेतुमत व्यक्तम उक्तम, तो पहला इसका कारण क्या बताया था, हेतुमत, ये हेतु वाली है, तो ये कैसा है प्रधान, कैसा है अहेतु वाला, इसका कोई कारण नहीं है। नहीं प्रधानात परम किंचित अस्ति, प्रधान से परे कोई नहीं है जो इसका कारण बने, मूल प्रकृति है, इसके परे इसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयंभू है, वो हेतु वाली नहीं है। हेतु का मतलब यहाँ पर कारण, निमित्त, हेतु, तो इसका कोई हेतु नहीं, इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई निमित्त नहीं है। नहीं प्रधानात परम किंचित अस्ति, क्योंकि प्रधान से परे अर्थात प्रधान से सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। अतः प्रधानस्य अनुत्पत्ति ही, इसलिए प्रधान की क्या है, अनुत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वो क्या है, स्वयंभू है। तस्मात अहेतुमत अव्यक्तम, तो अव्यक्त क्या है, बिना हेतु वाली, अहेतुमत, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं, निमित्त नहीं है। तथा अनित्यम च व्यक्तम, व्यक्त को क्या कहा था, अनित्यम, वो अनित्य है, नित्यम अव्यक्तम, लेकिन अव्यक्त क्या है, नित्य है, नित्यम अव्यक्तम अनुत्पाद्यत्वात्, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए। नहीं भूतानि व कुतश्चित उत्पद्यत इति अव्यक्तम प्रधानम नित्यम। और कह रही है भूतानि इव, भूतों की तरह से, नहीं कुतश्चित उत्पद्यते, ये कहीं से उत्पन्न नहीं होती है, इति अव्यक्तम प्रधानम नित्यम, तो इसलिए ये प्रधान क्या है, नित्य है ये। किंच अव्यापी, किंच अव्यापी व्यक्तम, व्यक्त प्रकृति कैसी थी, अव्यापी, अव्यापी माने असर्वगत, तो व्यक्त अव्यापी थी, व्यापी प्रधानम, लेकिन प्रधान क्या है, व्यापी है, व्यापी मतलब सर्वगतत्वात्, सब जगह उसकी गति होने से। सक्रियम व्यक्तम, व्यक्त तो सक्रिय था, व्यक्त प्रकृति तो, लेकिन अक्रियम अव्यक्तम सर्वगतत्वात्, और क्योंकि अव्यक्त तो सर्वगत है इसलिए वो अक्रिय है, क्योंकि जो सब जगह पहुंचा हुआ है वो कहाँ गति करे, क्रिया कहाँ करे, जो कहीं है कहीं नहीं है तब तो वो गति करके वहां जाएगा, जो पहले से ही सब जगह है तो उसमें क्रिया की संभावना नहीं है, गति की संभावना नहीं है। तो अक्रियम अव्यक्तम सर्वगतत्वात् एव। तथा अनेकम व्यक्तम, और कह रहे हैं उसी प्रकार व्यक्त का क्या बताया था, अनेकम, अनेक रूपों वाली, एकम प्रधानम, और प्रधान क्या है, एक ही रूप वाली, उसके अनेक रूप नहीं है, क्यों, अकारणत्वात्, और लगा लेना यहाँ पर, कारणत्वात् नहीं अकारणत्वात्, अकारण होने से उसका कोई कारण नहीं है इसलिए वो एक ही है। त्रयाणाम लोकानाम प्रधानम एकम कारणम, तस्मात एकम प्रधानम, कह रहे हैं ये जो तीनों लोक है ना इनका एक ही कारण है, वो कारण क्या है, प्रधान, प्रधान ही इन तीनों लोकों का कारण है, उसी से तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई है, तस्मात एकम प्रधानम, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, वो तो एक ही है और इसीलिए उसको प्रधान कहते हैं, प्रधान उसी को कहा जाता है ना जिसके अंडर में कई सारे काम करते हो, ये गांव का प्रधान है, ये जिले का प्रधान है, ये देश का प्रधान है, प्रधानमंत्री, कि उसके अंडर में करते हैं, तो इसलिए मूल प्रकृति को भी क्या कहा, प्रधान। एकम प्रधानम अकारणत्वात् त्रयाणाम लोकानाम प्रधानम एकम कारणम तस्माद् एकम प्रधानम। तथा आश्रितम व्यक्तम, व्यक्त प्रकृति कैसी है, आश्रित, किसी के आश्रय में रहने वाली। अनाश्रितम अव्यक्तम अकार्यत्वात्, लेकिन अकार्य होने के कारण अव्यक्त प्रकृति कैसी है, अनाश्रित, वो किसी के आश्रित नहीं है,
क्योंकि वो कार्य नहीं है। जो कार्य होता है वो अपने कारण के आश्रित होता है। नहीं प्रधानात् किंचित अस्ति परम, इससे परे और कोई नहीं है जिसका ये कार्य बने, तो ये सब का कारण है। कह रहे नहीं प्रधानात् किंचित अस्ति परम, यस्य प्रधानम कार्यम स्यात् तथा व्यक्तम लिंगम, तो कुछ भी प्रधान से सूक्ष्म नहीं है जिसका कि ये कार्य बन सके। और उसी प्रकार व्यक्त को क्या बताया था, लिंगम। लिंगम मतलब नहीं, लिंगम मतलब लय होने वाली, लिंगम माने लय होने वाली, व्यक्त तो लय होने वाली है। अलिंगम अव्यक्तम नित्यत्वात्, लेकिन जो अव्यक्त है वो कैसी है, अलिंगम लय न होने वाली, क्योंकि नित्यत्वात् लय तो वो होगा ना जो उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ नित्य है वो तो लय भी नहीं होगा, तभी तो वो नित्य है। महदादि लिंगम प्रलय काले परस्परम प्रलीयते, तो ये जो महदादि लिंग हैं ये प्रलय काल में परस्पर एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। पांच भूत तन्मात्राओं में, तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महद में, महतत्व में, महतत्व प्रधान में, सब एक अपने अपने कारण में लय हो जाते हैं। नैवम प्रधानम, प्रधान ऐसे किसी में लीन नहीं होती है। तस्मात अलिंगम प्रधानम, इसलिए प्रधान क्या है, अलिंग है, लय नहीं होती है। तथा सावयवम व्यक्तम, व्यक्त प्रकृति कैसी है, सावयव, तो ये 23 उसके अवयवी हैं व्यक्त के। निर अवयवम अव्यक्तम, लेकिन जो अव्यक्त प्रकृति है वो क्या है, निरवयव। नहीं शब्द स्पर्श रूप रस रूप गंधाः प्रधाने संति, प्रधान में ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय नहीं है। तथा परतंत्रम व्यक्तम, और नौवां कारण क्या बताया था, व्यक्त प्रकृति क्या है, परतंत्र, वो किसी दूसरे के लिए है, लेकिन स्वतंत्रम अव्यक्तम, अव्यक्त क्या है, स्वतंत्र है, क्यों, प्रभावति आत्मनः, वो तो स्वयं भू है, स्वयं ही स्वयं से उत्पन्न है, उसको कोई किसी ने पैदा नहीं किया। तो ये नौ यहाँ पर विशेषताएं बताई दोनों में, व्यक्त और अव्यक्त दोनों में क्या अंतर है, क्या वही धर्म है, वो ये इसमें बताया। आगे और भी बता रहे हैं, अब इसका साधर्म्य बता रहे हैं, इन दोनों का आपस में साधर्म्य क्या है और इन दोनों का पुरुष से वैधर्म्य क्या है वो बता रहे हैं। अभी तो इनका दोनों का आपस में वैधर्म्य बताया, अब दोनों का साधर्म्य और पुरुष से वैधर्म्य, तो पुरुष से तो वैधर्म्य है ही, ये जड़ है, वो चेतन है। तो कारिका बोलिए, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तदविपरीतः तथा च पुमान। त्रिगुणम दोनों ही कैसी हैं, त्रिगुणात्मक हैं, व्यक्त भी अव्यक्त भी, दोनों त्रिगुणम। अविवेकी और कैसी हैं, अभेदात्मक, विवेक मतलब भेद, विचिर पृथक भावे, अलग अलग कर दे जो उसको कहते हैं विवेक, और जो अलग अलग ना करे वो अविवेक। तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मूल प्रकृति अलग और ये महद अलग, जो महतत्व है उसमें से आप मूल प्रकृति को अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया, हाँ, व्यक्त अव्यक्त की बात हो रही है। तो ये दोनों कैसी हैं, अभेदात्मक, क्योंकि जो महतत्व है वो त्रिगुणात्मक ही है। आप धागे को और वस्त्र को अलग कर सकते हैं, धागे से वस्त्र बनाया है ना, साड़ी बनाई है, अब आप साड़ी को अलग कर दें, ये साड़ी और ये इसका उपादान कारण धागे, ऐसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि धागा ही साड़ी है,
तो वो त्रिगुण से ही ये सब बने हैं, अहंकार व्यक्त आदि, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको क्या कहा? अविवेकी, अभेदात्मक। अब उसका साधर्म दिखा रहे हैं ना। और विषय क्या है? ये दोनों ही क्या है? विषय। विषय किसके लिए होता है? विषयी के लिए। तो ये तो दोनों विषय बनती हैं किसी का, और किसका विषय बनती हैं? चेतन का। तो दूसरे के उपभोग के योग्य हैं ये दोनों। विषय माने जो दूसरे के उपभोग के योग्य हो, उसको विषय कहते हैं। सामान्यम अचेतनम, और एक विशेषण है सामान्यम। सामान्य, सामान्य मतलब सामान्य रूप से किसी के भी उपभोग के लिए जो तैयार होता है उसको सामान्य कहते हैं। जैसे कोई कुआं होता है ना गांव के बाहर, तो वो किसके लिए होता है? सामान्य रूप से पूरे गांव के लिए। कोई भी वहां से पानी लाए, कोई भी उसका उपभोग करे। कुछ जमीन होती है पंचायत की, तो उसमें सब जाके खेल सकते हैं। बोले भाई ये कैसी जमीन है? पंचायती है, ये पंचायती अखाड़ा है। पंचायती अखाड़ा सबके लिए नहीं है, वो जमीन बता रही हूँ। तो कुछ चीजें क्या होती हैं? सामान्य। जैसे रोड है वो सामान्य रूप से सबके उपभोग के लिए, कोई भी रोड से जा सकता है। तो ये प्रकृति कैसी है? सामान्यम, सबके उपभोग के लिए, सब आत्माओं के उपभोग के लिए, कोई भी करे इसका उपभोग तो वो तैयार है। रोड अपने आप में तैयार है, कोई भी उसका उपभोग करे। अचेतनम, प्रकृति कैसी है? अचेतन, तो उसमें चेतना नहीं है। प्रसव धर्मी, और कैसी है? प्रसव धर्मी माने वो अनेक रूपों में विभक्त होने वाली, प्रसव धर्म वाली। प्रसव धर्मी व्यक्तम, ऐसी है ये व्यक्त। प्रसव धर्मी व्यक्त प्रकृति का विशेषण बताया। तथा प्रधानम, और वैसे ही प्रधान भी। तो ये सारे के सारे विशेषण किसके हैं? व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकृतियों के। व्यक्त के भी ये विशेषण हैं, कौन कौन से? त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, सामान्यम, अचेतनम, प्रसव धर्मी। और तथा प्रधानम, वैसी ही प्रधान है माने मूल प्रकृति है। तद विपरीत तथा च पुमान, और इन दोनों से जो विपरीत है वो क्या है? वो पुमान है, वो पुरुष है। तो इसका भाष्य बड़ा है, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। तो इसको एक बार आप खुद भी देख के भी आए। शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।